दोस्तों क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करने का हर तरीके से रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अब लोग यूपीआई से स्कैन करके और किसी के थ्रू पैसा अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले रहे हैं। आखिर हर तरीकों का ये जो रास्ता है हर तरह से क्यों बंद कर दिया जा रहा है? आखिर गलती किसकी है और आने वाले समय में क्या और भी नियम चेंज हो सकते हैं? रिपोर्ट के अनुसार कुछ चीजें सामने आई है जो आपको हम बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रहा है तो क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले इतने ज्यादा हो चुके हैं कि यहाँ पे लोग एटीएम कार्ड को, मतलब कि जो क्रेडिट कार्ड है उसको एटीएम कार्ड समझ रहे हैं। मगर जब मन किया जहां किया वहां इस्तेमाल किया, कैश के लिए हर काम के लिए इस्तेमाल किया, चार्जेस लग रहे हैं, फीस लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक मन किया पे किया, जब मन हट गया तो पे करना बंद कर दिया। ये चीजें चल रही है मार्केट में। अब बैंकें सख्त होती जा रही है, आरबीआई भी नए नए रूल नियम लाते जा रहे हैं, बदलाव करते जा रहे हैं और ये चीजें सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा कस्टमर के जेब पे। कैसे, थोड़ा हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी मर्चेंट साइटें थी सब लोगों पे चार्जेस ऐड कर दिया गया है। मतलब कि मर्चेंट जो है आपसे आपका कन्वर्सन फीस, अपना प्लेटफॉर्म चार्ज तो ऐड कर रहे हैं और बैंकें भी जो है अपने कार्ड के ऊपर चार्ज ऐड कर रही है। तो मिला के जुला के हर तरीके से कार्ड का पैसा बैंक में लेने के लिए रोक लगाया जा रहा है। फिर भी कस्टमर नहीं मान रहे हैं, नए नए ट्रिक लगा रहे हैं, नए नए जुआड़ लगा रहे हैं और पैसा बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। चार्जेस 3%, 4%, 5%, 6% ऐसे करके चार्जेस ऐड हो रहे हैं। कुछ नए नए ऐप लॉन्च हो रहे हैं जो कि बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले लालच देके आपको परचा रहे हैं, आप जब उनके प्लेटफॉर्म पे ऐड हो जा रहे हो तो धीरे धीरे फिर अपना फीस को इंक्रीज कर दे रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म जो है शुरू शुरू में आपको अपने तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं और कुछ टाइम बाद सारा पैसा लेके फुर हो जा रहे हैं। तो बहुत सारी कहानी है। अभी गलती किसकी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सारी गलती क्रेडिट कार्ड यूजर की है। पता है क्यों? कार्ड आपको मिला है तो कार्ड को आप हिसाब में इस्तेमाल करो, लोग कार्ड को एटीएम कार्ड समझ बैठे हैं। तो मित्रों रिपोर्ट के अनुसार आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड ओनली शॉपिंग के लिए ही बचेगा, ना कि एड मनी और इन सब काम के लिए ये शायद सिस्टम बंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धांधली चल रहा है और ये चीज़ें बंद होना ज़रूरी भी है। अगर ये बंद नहीं होगा तो यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में हो सकती है बैंक की। रीजन यह है कि काफ़ी लोग कार्ड का पैसा ऐड कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, जब तक पैसा है पे किया, पैसा नहीं है हाथ खड़ा कर दिए, नहीं है पैसा पे नहीं करेंगे, ये कहानी चल रही है। तो मित्रों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो इससे अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करो, ना कि कैशलेस के लिए इस्तेमाल ज़्यादा मत करो। क्योंकि इससे क्या है कि रूल नियम अगर आप धीरे धीरे नहीं बदलाव करोगे तो ये रूल नियम खराब होते जाएंगे और सबको दिक्कत होगी। आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले क्रेडिट कार्ड पे कोई चार्जेस नहीं था, प्लेटफॉर्म चार्जेस मतलब कि जीरो ना के समान था, जितना चाहे उतना करो, बट लोग इतना ज़्यादा मतलब कि ये सब काम नहीं करते थे। अब लोगों को कर्ज कहीं से मांगना ही नहीं पड़ रहा है, लोन ले लिया, लोन नहीं मिला, चलो भैया कार्ड हमारे पास है बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। तो अब दोस्तों मुसीबत बढ़ेगी आप लोगों की, क्योंकि अब नियम रूल चेंज हो रहे हैं, कितने प्लेटफॉर्म आ जाएं उस पे चार्जेस ऐड होगा और सारा प्रभाव आपके जेब पे पड़ेगा। तो मित्रों आप ऐसा काम ना करें कि आप कर्ज में डूबोगे, आपके लिए दिक्कत और बढ़ सकती है। तो आप बताना कि आप कार्ड का पैसा कहाँ से करते हो, क्या ये रूल नियम आगे करके बंद हो सकता है कि नहीं, आप अकाउंट में जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।